असम के सिलचर पहुंची प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। असम के सिलचर लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान है। प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश के बाहर रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी सुष्मिता देव के लिए प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार उत्तर प्रदेश के बाहर चुनाव प्रचार कर रही हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका चुनाव प्रचार को लेकर असम में हैं। असम के सिलचर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुष्मिता देव के लिए प्रियंका रोड शो कर रही हैं। प्रियंका ने जब से पार्टी की कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश से बाहर ये उनका पहला चुनावी दौरा है जो उन्होंने किसी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया है। असम की सिलचर लोकसभा सीट में दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। सिलचर लोकसभा सीट में भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने सुष्मिता देव को मैदान में उतारा है। AIUDF ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। गौरतलब है कि असम की 5 सीटों पर दूसरे चरण के 18 अप्रैल को मतदान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पार्टी की स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। उम्मीदवारों के प्रचार के लिए प्रियंका की डिमांड उत्तर प्रदेश के बाहर भी ज़्यादा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान प्रियंका की 100 से ज़्यादा रैलियां कराने जा रही हैं। मालूम हो कि अभी तक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बाहर किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के लिए नहीं गई हैं। हालांकि स्टार प्रचारक प्रियंका 4 अप्रैल को अपने भाई व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होने के लिए वायनाड गई थी। रविवार को प्रियंका गांधी आज पहली बार उत्तर प्रदेश के बाहर असम के सिलचर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनावी रोड शो किया है। नौजवानों से मिलती हूँ, नौजवान बेरोजगार है,
किसान इतना दुखी है, इतना प्रताड़ित है कि पूरी रात उत्तर प्रदेश में बैठता है, पूरी रात अपने खेत देखती की चौकीदारी करके बैठती है, क्योंकि खेत पशु खा रहे हैं। दिन में उसकी ये हालत है कि वो बोझ जो कल्प है उसके बोझ में गिरा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। नौजवान हल चला रहे थे, घर बाजार में रोकता है, उसकी पुलिस को कोई रोजगार नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं। आपके यहाँ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल बिल्कुल नहीं किया गया। तो आप सोचिए, इतना बड़ा प्रचार कि जब मैं वाराणसी गई, जहाँ से प्रधानमंत्री अपना चुनाव लड़ते हैं, जब मैं वाराणसी गई तो मैंने भी सोचा था कि बहुत बड़े काम किए होंगे इन्होंने, बहुत बड़ा विकास होगा। जब मैं वहाँ पहुंची तो हवाई अड्डे से जाकर शहर पर 15 किलोमीटर की बहुत बढ़िया सड़क बनी थी और मुझे बताया गया कि दीदी सिर्फ यही किया है, इसके आगे बहुत नहीं है। मैंने पूछा किसी गांव में गए हैं, किसी परिवार से मिले हैं? जवाब आया कि 5 सालों में प्रधानमंत्री जी को 5 मिनट का समय नहीं मिला। प्रचार है। अब आप ही सोचिए कि अपने ही क्षेत्र में जाने का समय नहीं मिला, लेकिन अमेरिका गए, वहां पे गले लगे, चीन गए, वहां पे गले लगे, रूस गए, वहां पे गले लगे, वहां पे गले लगे, जापान गए, वहां पे ढोल बजाया, पाकिस्तान गए, वहां पे बिरयानी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रचार एक है और जो असलियत है वो कुछ और है, और जो असलियत है उसे आप जी रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। आप अगर आज भी इंदिरा जी की याद करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम किया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चल क्यों आई, मैं सुष्मिता के लिए आई। सुष्मिता में वो हिम्मत है जो इंदिरा जी ने दी, क्योंकि सुष्मिता में वो सच्ची नियत है, वो अच्छी नियत है जो इंदिरा जी ने दी। वो आपके लिए दिल से काम करना चाहती है। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के लिए कभी कहीं सड़क में बहुत नारे लगा रही है, कभी आपकी आवाज आने वाली सुष्मिता जी है। और राजनीति में अगर आपकी आवाज उठे, अगर आपका प्रतिनिधित्व हो, तो इससे बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं। ऐसा नेता जो समझे, जो दिल से समझे कि सत्ता आप में भी है, कि उन्होंने आपको नेता बनाया है, जनता ने आपको नेता बनाया है, आप एक ऐसा नेता जो समझे कि सत्ता आप में भी है, कि जनता ने इनको बनाया है, जिसके मन से ये बात कभी नहीं हटे, जो ये अच्छी तरह समझे कि बनाने वाले आप हैं और आपके प्रति समर्पित रहे, ऐसी एकता सुष्मिता जी है। ऐसी सच्ची राजनीति को आगे बढ़ाइए, जागरूक करिए। वोट डालने जाएंगे तो मेरी ये बात याद रखिए, नीतियां और नियत दोनों सही होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नए घोषणा पत्र में बहुत चीजें ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपकी भलाई के लिए हैं। आपको घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि वोट है, नेता आता है, भाषण देता है और जाके अपना मन बनाते हैं, लेकिन घोषणा पत्र पढ़िए। एक घोषणा पत्र जो भाजपा का है, उसमें अलग अलग संस्कृतियों,
अलग अलग धर्मों, अलग अलग तरह के रहन सहन के लिए कोई जगह नहीं है, संविधान के लिए कोई आदर नहीं है। दूसरी कांग्रेस शासन का जो घोषणा पत्र है, दूसरी तरफ जिससे एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए का राशन मिलने का, जिससे ये योजना है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की जांच, स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त होगा, जिससे ये लिखा है कि बारहवीं कक्षा तक सरकारी पाठशालाओं में पढ़ाई मुफ्त होगी, जिसके कण कण में संविधान का आदर है। आज एक महापुरुष का जन्मदिन है, अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश का नींव की नींव इस देश के संविधान के द्वारा डाली। उस संविधान का आदर करना, इस देश के हर राज्य का, इस देश के हर व्यक्ति का धर्म होता है। आज आप देख रहे हैं कि उस संविधान का आदर नहीं हो रहा है, उसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है। तो आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझिए, अपने आप को जागरूक रखिए, जानकारी लीजिए कि कौन सी पार्टी मेरे लिए क्या कर रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, और जो नेता आपके लिए शुभता भी के करे काम करे, उसी नेता को आगे बढ़ाइए, उसी नेता को जिताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर से इंतजार किया। अच्छा, और ऐसे ऐसे उम्मीदवार जैसे सुष्मिता जी है, वैसे पूरे असम में हमने ऐसे ही उम्मीदवार चुने हैं आपके लिए जो अच्छी तरह से काम करेंगे। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए। 14 के 14 कांग्रेस के उम्मीदवारों को बटोर के अपने लिए रखना चाहती है, ये नहीं समझती कि सत्ता जनता की है, कि सरकार जनता की होनी चाहिए, कि राजनीति जनता के हित में होनी चाहिए, ऐसी सरकार को आप हटा दीजिए, उनको हरा दीजिए और एक नई सरकार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।